स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSC ज्ञान सागर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में GST से संबंधित पूछे गए वो एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है, GST स्टैंड्स फॉर, GST की फुल फॉर्म क्या है, अलग अलग पूछ लेते हैं। GST में S की फुल फॉर्म क्या रहेगी, S का अर्थ क्या रहेगा, तो सभी को पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर इन GST, तो आई होगा इंटीग्रेटेड, ये भी क्वेश्चन पूछा था, आई इंटीग्रेटेड होगा, इंटीग्रेटेड GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। TDS स्टैंड्स फॉर, TDS की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, काफ़ी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अगला है भारत में GST कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन भी आपका। अगर हरियाणा SSC का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम है, तो कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। किस देश ने सर्वप्रथम GST को लागू किया, तो सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था GST। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब रेट हैं, तो जो टैक्स स्लैब रेट है सबसे ज़्यादा है भारत में, उसके बाद अर्जेंटीना में जो टैक्स स्लैब रेट हैं वो रहेंगी। आगे आएगा क्वेश्चन कि टैक्स स्लैब रेट होती क्या है। नेक्स्ट है भारत में GST की दोहरी प्रणाली कौन से देश से ली गई है, ड्यूल मॉडल ऑफ GST, ड्यूल मॉडल ऑफ GST है, CGST और SGST को ड्यूल मॉडल कहा गया है, तो कनाडा से ली गई है, कनाडाई मॉडल है ये, ड्यूल मॉडल ऑफ GST। भारत में GST मॉडल की कितनी टैक्स स्लैब हैं, तो ये होंगी 4, जैसे पीछे इस क्वेश्चन में आया था कि सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब रेट किस देश की है, भारत की, और कितने टैक्स स्लैब रेट हैं आगे पूछ लिया। भारत में GST मॉडल की कितनी टैक्स स्लैब रेट है, तो ये हैं 4, जो है 5, 12, 18, 28। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं सबसे कम टैक्स स्लैब रेट कितनी है, 5, और सबसे ज़्यादा है 28, 5, 12, 18 और 28, 4 स्लैब रेट हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। GST में कितने प्रकार के टैक्सेस लगाए गए हैं, तो 3 प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं, CGST, SGST, SGST को UTGST और IGST भी कहा जाता था, और IGST। तो शुरू में SGST और UTGST अलग अलग थे, यूनियन टेरिटरी बनता है UT से, C से सेंट्रल GST, S से स्टेट GST और I से इंटीग्रेटेड GST। इनकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे IGST में I का मतलब पूछा गया है कई बार। अब कहते हैं IGST किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा IGST चार्ज किया जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम GST का प्रस्ताव कब रखा गया, साल 2000 में सर्वप्रथम GST का प्रस्ताव रखा गया था भारत में। GST को किस एक्ट के तहत पेश किया गया है, 101वां, GST को कौन से एक्ट के तहत, 101वें एक्ट के तहत पेश किया गया है। GST का हेडक्वार्टर कहाँ है, आंसर होगा नई दिल्ली, GST का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। GST का चेयरमैन कौन है, वित्त मंत्री, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो GST के चेयरमैन होते हैं। बाहरी देशों से आयात करने पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, जब हम बाहरी देशों से आयात करते हैं तो उस पर IGST लगता है। नेक्स्ट आपका GST रजिस्ट्रेशन के समय कौन सा फार्म भरा जाता है, तो GST REG 01, GST Registration 01 रजिस्ट्रेशन के समय भरा जाता है। क्या कोई व्यक्ति बगैर पैन कार्ड के GST अप्लाई कर सकता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो पैन कार्ड के डिजिट होते हैं 10 डिजिट, वही GST के अंदर इंक्लूड होते हैं। GST के पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो किसी स्टेट को रेफ़र करते हैं, जैसे 06 हरियाणा से है, 07 दिल्ली का कोड है, तो इस तरीके से 01 के बाद, 06 के बाद आपका जो पैन नंबर है 10 डिजिट का वो आता है। नेक्स्ट है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होती है, तो GST का रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है जब तक इसको कैंसिल ना किया जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ TDS, TDS किस रेट पर काटा जाता है, TDS की फुल फॉर्म थी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, पहले जैसे क्वेश्चन आया था, तो 1% होता है TDS की रेट। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन टैक्स नहीं भरता है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो पेनल्टी क्या होगी GST के तहत,
₹100 प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी होगी और अधिक से अधिक ₹5,000। नेक्स्ट है HSN कोड स्टैंड्स फॉर। HSN कोड्स पूछा जाता है, ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह होते हैं उनके लिए कोड है HSN कोड। HSN कोड्स की फुल फॉर्म होगी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनिकल्चर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनिकल्चर। नेक्स्ट है SSC। SSC कोड स्टैंड्स फॉर सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। SSC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, SSC की कोड होगी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।